सारे फूल लगे हुए हैं साथ। और ये मैं फ्री वाले हिस्से में जा रही हूँ जहाँ पे यहाँ पे टिकट वगैरह नहीं है झूलों के, और ये बच्चे फ्री में इधर खेल सकते हैं इसमें सारे हर जगह पे, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। और फैमिलीज बहुत एंजॉय कर रही हैं बैठी हुई हर जगह पे। और यहाँ पे बाहर ये है कि यहाँ पे बच्चों का कोई इशू नहीं है, खेल सकते हैं, खुली जगह है बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है और कितना रश पड़ा हुआ है। बहुत रौनक है माशाल्लाह इधर सब जगह पे। हम लोग देख सकते हैं कि कितना रश है। ये देखिए माशाल्लाह बच्चे कितने खुश हो रहे हैं खेल के, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है और बच्चों को आप भी ज़रूर बाहर लेके आए थोड़ी देर के लिए, फिर संडे को भी। यो पार्क में काफ़ी रौनक होती है बच्चों की, और यहाँ पे कोरोना का कोई तस्वर ही नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं डलगर फैमिली से हैं और ये इतना ज़्यादा इशू, ये लोग मानते ही नहीं है इस चीज़ को भाई कि कोरोना भी होता है। बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे। ये देखें कितना खूबसूरत ये इसका है सीन। बड़ी अच्छा लग रहा है सारा, ये सारा देखें बहुत प्यारा व्यू है इसका। और ये स्ट्रीट की दूसरी साइड पे एक फैमिली आई हुई है, वो गेम खेल रही है। ये देखें जहाज खड़ा है जी आर्मी का, और लोग इसके साथ जाके पिक्स बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये अंदर टैंक वगैरह, ये साथ साथ पूरा एक जंगल जा रहा है, साथ साथ पूरी स्ट्रीट जा रही है, एक दरख्त है बहुत प्यारे इसमें। और ये सारा रास्ता जो है ना, ये वॉकिंग है, ट्रैक है, यहाँ पे वॉक करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ना रश ही पड़ा रहता है, आम दिनों में भी बहुत रश होता है क्योंकि वॉक करने वाले। ये देखें कितना खूबसूरत ये सीन है, खूबसूरत तो नहीं कह सकते क्योंकि दुखी कर रहता है। ये देखें पत्ते किस तरह गिरे हैं, फिजा आई हुई है, और इस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। और फिर जनवरी में जाके नई कोंपलें फूटेंगी दरख्तों से। लेकिन देखें आप कि ये भी एक उदास कर देने वाला है सारा सीन है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि ये भी हमारी फितरत में है कि मूड जो स्वयं करते रहते हैं हमारे, कभी हम खुशगवार मूड में होते हैं तो कभी हम दुखी मूड में होते हैं तो कभी किसी और मूड में होते हैं। ये सारे मूड कुदरत की तरह से हमें मिले हुए हैं। जैसे ये देखें पत्ते सारे ज़मीन पर दरख्तों के नीचे ढेर लगे हुए हैं, ये पत्ते झड़ने का मौसम है। लेकिन यहाँ आके एक बहुत ही फ्रेशनेस सी फील हो रही है। ये बांस के पौधे लगे हुए हैं और ये बांस के ऊपर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं जी। ये देखें ये नाम लिखे हुए हैं और हार्ड बने हुए हैं और उनके अंदर नाम लिखे हुए हैं जी। क्या बात है, ये देखें ज़बरदस्त
ये तो देखिए कितने बड़े और लंबे बांस लगे हुए हैं, ये पुराने बहुत, और इन पे लोगों ने नाम लिखे हुए हैं और बाकायदा हार्ट बने हुए हैं और हार्ट के अंदर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये हो सकता है कितने सालों के बाद आते होंगे तो पढ़ते होंगे इनको, शायद उन्हें खुशी और तस्कीन भी मिलती होगी। ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है, ये कितना खूबसूरत रंग लगा हुआ है और इस पे इतने मज़े के इसके जो पत्ते हैं वैसे लगते हैं जैसे फूल हैं, लेकिन ये हैं पत्ते वैसे, और सब छोटे छोटे से फूल भी लगे हुए हैं। अब है किस चीज़ का ये मुझे पता नहीं, व्यूअर्स जी आप खुद ही पता करें। ये ट्रैक है इधर सारा, ये इधर जो है वॉक करने वालों के लिए बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। दिल कर रहा कि बस बंदा वॉक ही करता जाए भाई, कुछ भी ना करे और दुनिया में। शाम का टाइम है और परिंदे भी जो है ना वो इधर आ रहे हैं सारे, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी रश बना हुआ इधर। का जो है ना अक्स आ रहा है पानी में और बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। ये लहरें टकरा रही हैं साहिल समुंदर से, ये पत्थरों की खरखर, ये पानी की चल चल हलचल मचा रही है। अरे पानी ऊपर हुआ पड़ा ना। ये देखें एक कौवा बेचारा फोत हो चुके हैं ऊपर मरा पड़ा है उस पे टहनी पे, और सारे कौवे जो है ना मिल के वहाँ पे शोर मचा रहे हैं। देखें शाम का टाइम है और बतखें जो हैं वो तैर रही हैं पानी में, बड़ा एंजॉय कर रही हैं। शाम का टाइम जाने का टाइम होने वाला है, ये अपने उधर जिस साइड पे रहती हैं उस तरफ जा रही हैं। और ये मैं सोच रही हूँ वैसे एक बात, व्यूअर्स की इनको सर्दी क्यों नहीं लगती इस टाइम में ये पानी में तैर रही है इस सर्दी में पानी में तैर रही है, ये कैसे तैर रही है मुझे समझ नहीं आ रही। और ये परिंदे भी शाम का टाइम है सारे अपने घरों की तरफ चल रहे हैं, और हम भी अब बस निकलने की करेंगे यहाँ से, शाम हो गई है। ये देखिए व्यूअर्स ये सामने मुरहाबियाँ बैठी हुई हैं, तो ये वैसे तो पानी में नीचे खड़ी होती हैं पानी के अंदर और लोग शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिकार मन है और ये इसलिए आराम से बैठी हुई हैं, कोई इन्हें कुछ कह भी नहीं रहा। ज़्यादातर इलाकों में जो ये मुरहाबी होती है वहाँ पर लोग शिकार कर लेते हैं इनको, और ये बड़ी प्यारी लग रही है इस टाइम। ओके व्यूअर्स ख़त्म होगी मेरी आज का व्लॉग ख़त्म हो गया, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका, आपके कमेंट्स।